ये दोस्तों क्वेश्चन आप सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस को वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, दो घोड़ों को 60,000 रुपये प्रत्येक को, दो घोड़ों में से प्रत्येक को 60,000 रुपये में बेचने पर एक घोड़े पर 25% लाभ होता है और दूसरे घोड़े 25% हानि होती है, तो उसे इस सौदे में क्या मिला? न तो लाभ न हानि, 4% लाभ 4% हानि, या 6.25% हानि। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब जब भी दोस्तों आपको जब बराबर परसेंट में बढ़े लाभ मतलब बढ़ा और हानि मतलब घटना, बराबर परसेंट में बढ़े और बराबर परसेंट में घटे, तो उस स्थिति में उसको क्या होती है? कुल मिला के हानि होती है। अब हानि प्रतिशत निकालना है तो उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 का स्क्वायर। अब उभयनिष्ठ लाभ कितनी है इसमें, लाभ या हानि कितनी है? 25% लाभ है ना, लाभ या हानि दो में से एक लिख लो, तो ये कितना आएगा? 25/10 का होल स्क्वायर। तो 25 होगा 625/10 था 100, तो दो अंक छोड़ के 10 हम लो, यानी कि 6.25% इसको हानि होगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करने का, अभी अगले वाले को करेंगे। देखिए, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। न तो बढ़ेगा न घटेगा, 2% घटेगा 4% घटेगा या 4% बढ़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को अलग एक दो तरीके से सोल्व करेंगे। पहला तरीका है, फर्स्ट वाला तरीका, देखो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, एक तरीका तो ये, एक्स का मतलब बढ़ना है ना, घटना और एक्स वाई। देखिए 20% बढ़ा फिर घटा, कम हुआ तो फिर -20%, प्लस 20% बढ़ा माइनस घटा 20% बटा 100, तो 20% प्लस माइनस कट गया, 20 कितना हुआ? 400/100, दो सिपर कट गई, -4 यानी कि 4% वो घटा। सी ऑप्शन अपना मैच कर गया। एक तरीका तो होता है। दूसरा तरीका जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अब उसने कहा कि लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए। ये मान लीजिए कि आयत है, इसकी लंबाई मान लीजिए कि 10 है और चौड़ाई कितनी है? 8 है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 10×8=80, ठीक है। अब इसकी जो लंबाई है इसमें 20% की वृद्धि करें तो 10×20% कितना होगा? देखो 10×20% बटा 100, सिपर कट गई, 2, तो 2×10 = 2 कितना हो गया? नया आयत का कितना हो गया? ये हो गया 12। अब ये 2×20% कम होगी तो 8×20%, देखो 8×20/100, 20×2 = 5, 10, 8/5, 8/5, तो 8/5, 5 का भाग लगा दें, 5×5 = 5, 3 बचा, 5×30 = 30, 1.6। अगर 8.0 में से 1.6 अगर कम करेंगे तो 10 में 6 गए तो 4 बचे, 7 में से 1 गया तो 6.4, तो ये होगी 6.4। अब दोस्तों इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो 6.4×12 = 48 का 8 हासिल आए 4, 12×72 और 4×76 = 76.8। अब यह है 80.0×76.8, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे,
और साथ में साथ क्या कुछ 3.2। अब दोस्तों ये इसका कम हुआ, देखो 3.2 बटा कितना 80 × 100/1 दशमलव का एक सिफर और यहाँ आ गए 1, 2 ये दो सी पकड़ गई और 8×8=32 यानी कि 4%। तो 4% को कम होगा। तो दोस्तों अपनों ने इस तरीके से इसको सोल्व किया तो भी 4% आया, और इस तरीके से सोल्व किया तो भी 4% आया, और इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो भी अपना 4% ही आएगा। देखो उभयनिष्ठ लाभ यानी कि कितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा, तो 20/10 2 20 कितना होगा 400/100 दोस्ती पकड़ के बराबर 4% की कमी। तो इस तरीके से करें तो भी उत्तर वही आएगा, इस तरीके से करें एक्स वाई के हिसाब से तो भी 4% आएगा, और इस तरीके से करें तो भी उत्तर 4% आएगा। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया। थैंक यू दोस्तों।